Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we will read chapter 1 of your this English fairy book. First chapter is Riya's family. Riya ka parivar. So students, open your book page number 2. Warm up exercise. Paste the pictures of your family members. आपको इस पेज पर अपने फैमिली मेंबर्स की पिक्चर पेस्ट करनी है, पिक्चर चिपकानी है. फर्स्ट कॉलम जो है उसमें अपनी मम्मी की फोटो लगानी है, दूसरे कॉलम में पापा की फोटो लगानी है, फिर आता है नीचे थर्ड कॉलम, दादी माँ की फोटो लगानी है, ग्रैंड मदर, एंड देन पेस्ट योर ग्रैंड फादर्स फोटोग्राफ. ग्रैंड फादर मीन्स योर दादाजी, या आप अपने नाना जी की फोटो लगा सकते हैं. और फिर नीचे लास्ट लेफ्ट साइड में ब्रदर, अपने भाई की फोटो चिपकानी है. लास्ट में अपनी बहन की फोटो चिपकानी है. तो इस तरह से आपको अपने परिवार के सारे मेंबर्स की, सारे सदस्यों की फोटो यहाँ पर चिपकानी है. तो ये बन जाएगा आपका फैमिली पेज. तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर 1, रियाज फैमिली, रिया का परिवार. रीड दिस पिक्चर स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल कॉल्ड रिया. ये पिक्चर स्टोरी पढ़ते हैं जो किसके बारे में है, एक छोटी सी लड़की रिया के बारे में है. रिया इज 6 years old. रिया 6 साल की है. शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर बेबी ब्रदर राज. वो अपने पेरेंट्स मीन्स माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी जी और अपने छोटे भाई राज के साथ रहती है. हेलो, आई एम रिया, दिस इज माय फैमिली. यू कैन सी इन द पिक्चर अ स्मॉल लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की है आपको हेलो बोल रही है. हेलो, मैं रिया हूँ और ये मेरा परिवार है. दिस इज रियाज मदर, ये रिया की मम्मी है. हर नेम इज रानी, उनका नाम रानी है. शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. रानी हेल्प्स रिया विद हर होमवर्क, रानी रिया की उसके होमवर्क में मदद करती हैं. आपकी मम्मा भी आपके होमवर्क में हेल्प करती है, सो सेम रानी ऑल्सो हेल्प्स हर डॉटर, रानी भी रिया की होमवर्क करने में हेल्प करती हैं. दिस इज रियाज फादर, ये रिया के फादर हैं. हिज नेम इज रोहित, उनका नाम रोहित है. ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है. रिया लव्स प्लेइंग क्रिकेट विद हर फादर, रिया को अपने पापा के साथ क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है. कम ऑन रिया, हिट द बॉल हार्ड, कम ऑन रिया, बॉल को जोर से मारो. रियाज ग्रैंडफादर कुक्स लंच एवरी संडे, रिया लव्स टू हेल्प हिम. रिया के दादाजी हर संडे को लंच बनाते हैं और रिया उनकी मदद करती है. ग्रैंडपा, व्हाट आर वी कुकिंग टुडे, दादाजी आज हम क्या पका रहे हैं. वी विल मेक सम राइस एंड दाल, हम थोड़ा सा दाल और चावल बनाएंगे. माय डियर, देन वी विल कुक सम बीन्स, और फिर हम थोड़ी सी बीन्स पकाएंगे, बीन्स की सब्जी बनाएंगे. We will also chop cucumbers and carrots for salad. और हम सलाद में थोड़ा सा खीरा और गाजर भी काटेंगे. Riya's grandmother looks after the family garden. रिया की दादी माँ फैमिली के गार्डन मीन्स बगीचे की देखभाल करती हैं. Riya loves the roses and lilies that grow here. और रिया को उनके बगीचे में उगने वाले रोज मीन्स गुलाब और लिली के पौधे बहुत पसंद हैं. शी हेल्प्स हर ग्रैंड मदर ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स मीन्स सैटरडे संडे को वो अपनी दादी माँ की मदद करती है. ग्रैंड मा, कैन आई वाटर द प्लांट्स टुडे, दादी माँ क्या मैं आज इन पौधों में पानी डाल सकती हूँ. यस माई डियर, दादी माँ कहती हैं हाँ माई डियर तुम डाल सकती हो. वन डे लिटिल रिया बिकम्स वेरी सैड, हर कैट इज मिसिंग. एक दिन छोटी सी रिया बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी बिल्ली गुम हो गई है. पॉली इज मिसिंग, पॉली गायब है. आई कांट फाइंड हर एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं
ढूंढ पा रही हूँ, कहीं भी नहीं देख पा रही हूँ। डोंट वरी रिया, फिकर मत करो रिया, पॉली विल कम बैक सून, पॉली जल्दी से आ जाएगी। शी मस्ट बी हाइडिंग अगेन, वो फिर से कहीं छुपी होगी। एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर पॉली, और घर का हर व्यक्ति पॉली को ढूंढने लगता है। रानी फाइंड्स एन एम्प्टी बॉक्स मूविंग, रिया की माँ रानी एक खाली बॉक्स को हिलते हुए देखती है। शी ओपन्स द बॉक्स, और वो बॉक्स को खोलती है। डू यू नो हू शी फाइंड्स इनसाइड, क्या आपको पता है अंदर उन्हें कौन मिलता है? पॉली द कैट। रानी स्कोल्ड्स पॉली फॉर हाइडिंग इनसाइड द बॉक्स, रानी डांटती है पॉली को बॉक्स के अंदर छुपने के लिए। बट एवरीबडी इज हैप्पी टू हैव पॉली बैक, लेकिन हर कोई खुश है पॉली को वापस पाकर। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी हैज फाउंड पॉली, मम्मी ने पॉली को ढूंढ लिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर रियाज फैमिली। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।